हे गाइस, वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। क्रैश कोर्स चल रहा है हर एक एग्जाम के लिए। सीएसआईआर गेट डीबीटी आप लोग देख रहे होंगे। हर दिन क्रैश कोर्स में हम नए वीडियोस आपके लिए कॉन्टिन्यूस लेके आते रहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी क्वेरीज आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द गैप पेनल्टी, जहां से क्वेश्चन बनते हैं कई बार, गैप पेनल्टी होता क्या है? ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। गैप पेनल्टी फॉर द इनिशिएशन एक्सटेंशन, जैसे देखना यहाँ पे एक क्या है, न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक गैप यहाँ पे है, यहाँ पे तीन गैप है। क्लस्टर डब्ल्यू जो होता है रिकमेंड करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, और इसमें वन फॉर मैच, जीरो फॉर मिसमैच। डीएनए सिक्वेंस में वन फॉर मैच, जीरो फॉर डिसमैच, एंड गैप पेनल्टी यहाँ पे वन होता है, नॉट टेन। ठीक है, गैप पेनल्टी इज वन। ठीक है, इस चीज को याद रखना, गैप पेनल्टी इज व्हाट, वन होता है, नॉट वन। ठीक है, वन होता है गैप पेनल्टी फॉर द इनिशिएशन एंड 0.1 फॉर द एक्सटेंशन, 0.1 फॉर द एक्सटेंशन। फॉर अमीनो एसिड सीक्वेंस ब्लॉसम 62 मैट्रिक्स इज यूज्ड, गैप पेनल्टी इज 11 एंड एक्सटेंशन के लिए, इफ इनिशिएशन के लिए 11 होता है, एक्सटेंशन के लिए 1 होता है। अब इनिशिएशन एक्सटेंशन क्या होता है? ये है इनिशिएशन, पहला जो गैप क्रिएट हुआ, द फर्स्ट गैप क्रिएटेड, उसको बोलते हैं इनिशिएशन। इनिशिएट किया है गैप यहां से, लेकिन इसके बाद अब देखना गैप क्रिएट होता चला गया, तो ये बाकी दो क्या है, ये एक्सटेंशन पे जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इसमें अगर न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस है, पेनल्टी मोस्टली कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन अगर कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो वो एग्जाम में दे दिया जाएगा। अभिषेक, मोस्टली ये अगर कुछ ना दिया हो तो आप ये डेटा जो मैं बता रहा हूं लेके चल सकते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में दे देगा पेनल्टी के बारे में। ठीक है, चलो अब बात देखने की कोशिश करते हैं कि ये आपका दे दिया जाएगा। यहां पे देखने की कोशिश करेंगे जनाब, देखिएगा कि इस पर्टिकुलर में, इस पर्टिकुलर का जरा सा सिमिलरिटी स्कोर कितना होगा आपको कैलकुलेट करके बताना है। सिमिलरिटी स्कोर में मैं बता देता हूं फॉर्मूला कितना होता है। फॉर्मूला होता है इसका मैच प्लस, प्लस जो होता है, सॉरी नॉट प्लस, मैच, जो मैच स्कोर है, दैट इज व्हाट द मैच स्कोर माइनस इनिशिएशन प्लस एक्सटेंशन पेनाल्टी। तो मैच देखना कहां कितना आ रहा है, देखना मैच कितना है इस पर्टिकुलर, इस सीक्वेंस में, इसमें देखना दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस जिसके बारे में बात कर रहा हूं, मैच कितना, एक दो तीन चार पांच छह, कितना आ रहा है मैच, छह आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, छह आएगा। और अब इसमें इनिशिएशन पेनाल्टी कितना लगाओगे, इनिशिएशन पेनाल्टी कितना लगाओगे, एक। इनिशिएशन पेनाल्टी कितना लगेगा, एक। और एक्सटेंशन पेनाल्टी कितना लग रहा है, एक्सटेंशन पेनाल्टी कितना लग रहा है, एक्सटेंशन कितना लग रहा है, पॉइंट वन। और वो पॉइंट वन दो बार लग रहा है कि नहीं लग रहा है, दो बार लग रहा है, तो पॉइंट वन इंटू टू। समझ में आया? दो बार मल्टीप्लाई होगा, तीन बार मल्टीप्लाई होगा, टू टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। चलो अब इसमें बताना, ठीक है, ये अलग अलग सीक्वेंसेस है, ठीक है, ये दोनों अलग अलग सीक्वेंसेस है, याद रखना एक्सटेंशन पेनाल्टी, गैप पेनाल्टी, इनिशिएशन के बाद एक्सटेंशन के बारे में। अब इसमें बात करेंगे कि यहां पे 6 माइनस 1 प्लस 0.2, इसको सॉल्व करो क्या आ जाएगा जी, इसको सॉल्व करो, 6 माइनस क्या आ जाएगा, ये 1.2, ये आ जाएगा 4.8। समझ में आया? ठीक है, चलो इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और कुछ एग्जांपल्स देखो यहाँ पे, और कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे प्रोटीन अलाइनमेंट स्कोर के बारे में, अलाइनमेंट स्कोर उसी तरीके से गैप पेनाल्टी का जो फॉर्मूला है वही ए एक्स प्लस बी, यहां पे इन्होंने जो दिया है, मेरा फॉर्मूला याद रखना, दैट इज व्हाट द मैच माइनस इनिशिएशन प्लस एक्सटेंशन। ठीक है, ये याद रखना जो मैं बताया हूं, एम माइनस आई प्लस ई, कोई अलग 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 जगह पे फॉर्मूला मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैच स्कोर माइनस इनिशिएशन एंड गैप पेनाल्टी, सी हियर, देखो यहां पे क्या है,
यहाँ पे क्या है, दो आपके इस तरीके के फॉर्म में चल रहे हैं। अगर स्कोर देखो, 9 + 2 + 7 + 6, 9 2 11, 9 2 11, 7 16, 7 18 + 6 24, दिस इज अबाउट द मैच स्कोर। नाउ द गैप स्टार्ट पेनाल्टी इज द 10 एंड वन इज स्टार्ट एंड अनदर वन इज अ गैप, अनदर वन इज एक्सटेंशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक स्टार्ट होगा, एक एक्सटेंशन पे जाएगा, तो एक 10, एक +2, 12 से सॉल्व करोगे तो ये 12 अलाइनमेंट स्कोर आ जाएगा। चलो समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से गैप पेनल्टी और इन सब चीजों में देखने की कोशिश करना। अगेन एक एग्जांपल के तौर पे, कभी कभी टेबुलर फॉर्म में दे दिया तो क्या करोगे? अगर टेबुलर फॉर्म में दे दिया तो क्या करोगे? वो तो था अलाइनमेंट के फॉर्म में। अब यहां पे आपको अलाइनमेंट स्कोर अब यहां से लेके चलना पड़ेगा। सी, यहां पे गैप पेनल्टी -8 दिया है, स्टार्ट पेनल्टी क्या है? स्टार्ट है, और यह है एक्सटेंशन पेनल्टी, यह इनिशिएशन है। स्टार्ट का मतलब इनिशिएशन, ठीक है, और यह है एक्सटेंशन के लिए। तो अब देखना कि यह जो अलाइनमेंट दिया हुआ है, इस अलाइनमेंट में आप देखोगे, सो जो अलाइनमेंट ए और ए का स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 5। W और W का स्कोर कितना रहा है? W और W का स्कोर देखोगे 15 आ रहा है, ठीक है। H और H का स्कोर 10 आ रहा है, E और E का 6 आ रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको देखना है कि कौन किससे मैच हुआ है, उसका टोटल स्कोर रखोगे, ठीक है। जैसे कि टोटल हर एक स्टेप पे, मैंने इस वाले डायग्राम को देखो, ठीक है, इस वाले डायग्राम को देखो, एच इससे क्या करा, जब आपने अलाइन किया इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, तो इस तरीके से ग्राफ बना, तो ये मिसमैच हुआ, -8 आएगा स्टार्ट पेनल्टी, इसके लिए क्या आएगा -8, ठीक है, ये -8 आया, फिर उसके बाद -1, -8, -8 इस तरीके से चल रहा है, फिर G आया, G के बाद इस तरीके से चला -1 एंड A5, A2A5, W2W हुआ, फिर -8 आया G के केस में, फिर +10, +6, -8, +6 इस तरीके से चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात बताना कि इस E के केस में क्या आना चाहिए यहाँ पे, ये जो चीज है -8 आएगा या -3 आएगा? -3 आना चाहिए, ठीक है। देयर इज अ मिस्टेक, एक्सटेंशन के लिए आएगा, गैप एक्सटेंशन पेनल्टी आएगा, ठीक है, इसको क्लियर कर लेना। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अभी कुछ क्वेश्चंस हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब देखने की कोशिश करना। एक आता है एंट्रोपी ऑफ द अलाइनमेंट। जब एंट्रोपी ऑफ अलाइनमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे, जो हमने सैनन एंट्रोपी के बारे में बात किया, तो ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेट होता है। कॉलम एंट्रोपी का, अलग अलग कॉलम का कैलकुलेट करना होता है, अलग अलग कॉलम का कैलकुलेट करना होता है, देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आया हुआ है आपके एंट्रोपी के बारे में, कैसे कैलकुलेट करोगे 4 बेसिस न्यूक्लियोटाइड के ऊपर, तो इस तरीके से आपको करना होता है। कैसे करना होता है? सी, कॉलम वन एंट्रोपी जो होती है, यहाँ पे क्या करेंगे, -1, जैसे कॉलम वन को पकड़ा, इसमें ए ए ए है, तो 1 log 1, 0 log 1, ठीक है, 1 into log 1, 0 log 1, 0 log 1, 0 log 1, ये किस तरीके से, कॉलम आपको पता है ना, कॉलम ऐसे चलता है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये आता है माइनर लॉग। हमेशा एक कॉलम की जो एंट्रोपी होती है वो होती है PA log PA log PC log PC log PC plus PG log PP and PT log PT, अलग अलग बेस के लिए होता है। ये होता है ए के लिए, ये होता है आपके किसके लिए, ये होता है आपका दैट इज व्हाट, साइटोसिन के लिए, ये होता है गुआनिन के लिए, ये होता है थायमिन के लिए, और माइनस आगे जुड़ेगा रहेगा। जब यहाँ पे सारा ए ए है तो बाकी तीनों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि नो साइटोसिन, नो थायमिन, नो आपका गुआनिन, तो तीनों जीरो हो गए। सिर्फ एडेनिन पे मान लॉग वन आया, और वन लॉग वन, लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है, लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है जी, लॉग वन की वैल्यू होती है जीरो, लॉग वन की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, ठीक है, समझ में आया। लॉग वन की जो वैल्यू होती है वो होती है जीरो। अगर मैं बात करता हूं, इसमें देखने की कोशिश करना, जब ये आपका क्या हो जाएगा, जब ये फॉर्म आएगा कॉलम टू के लिए, ए सी सी ए सी सी सी, ए के लिए क्या आ जाएगा, अब इसमें प्रोबेबिलिटी रखोगे, यहां पे प्रोबेबिलिटी भी, जब सिर्फ ए है तो प्रोबेबिलिटी सिर्फ ए है, इसमें आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो ए की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और सी की प्रोबेबिलिटी इस कॉलम में 3/4 है, इस कॉलम में ए की प्रोबेबिलिटी 1/4 है और सी की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, कॉलम में देखना, सेकंड वाले कॉलम में, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से रखोगे सी का, बाकी जीरो जीरो हो जाएंगे, कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आता है 0.811, क्या आएगा,
प्लस 0.811 आ जाएगा। कॉलम थ्री में देखो ए सी जी टी, यहाँ पे सब 1/4 1/4 आएंगे, ये भी 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, सबको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा प्लस टू आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, चलो एक और कॉलम देना चाहता हूं मैं, उसको आप लोग कैलकुलेट करके बताओ, क्योंकि अगर वो कैलकुलेट करके बताया तो मैं आपको कुछ अच्छी चीज बताने वाला हूं। इसी में एक और एग्जांपल दे रहा हूं, दैट इज व्हाट द कॉलम फोर। कौन कैलकुलेट करके बताएगा, किसके पास है वो दिमाग, जरा सा मुझे बताना। कि अगर मैं कहता हूं कि ये रहा ए ए, ये रहा टी टी, ठीक है, सो इसमें ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? अगर मैं बात करूं कॉलम फोर के लिए, कॉलम फोर के लिए जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ए की 1/2 एंड टी की 1/2, ए की 1/2 टी की 1/2, जरा इसको सॉल्व करके बताना। तो जरा इसको सॉल्व करके बताना, -1/2 ln 1/2 प्लस 1/2 ln 1/2, ये वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी से बताइए। तो 1/2 ln 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको सॉल्व करिए, ln 1/2 को हाफ से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके बताइए मुझे। तो क्या होगा, 1/2 होगा, ये 1/2 होगा भैया, 2 a है 2 t है, 1/2 होगा। 1/4 कहां से आ गया है, 4 में से 2 a है 2 t है, कहां से 1/4 आएगा, इसमें से 4 में से 1 a था 3 c था, तभी तो 3/4 बता रहा था, ठीक है, 0.693। एक मजेदार सी चीज बताऊं, अब कभी भी मैच में दिया रहे, ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है सैनन एंट्रोपी फॉर द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, देखना कभी भी मैच में दिया रहे या प्रोटीन में दिया रहे, इसमें आपको देखना है कि इसमें जैसे देखना सीक्वेंस दिया हुआ है, इसमें क्या है, सीक्वेंस में पूरा का पूरा 1 प्रोबेबिलिटी है, इस केस में एल डब्ल्यू वाई है, तो 1/3 1/3 करके तीनों का करोगे, लॉग 2 1/3, और इसमें आर आर करके करोगे, लॉग 2 के बेसिस पे कर सकते हो, एल एन के बेसिस पे कर सकते हो, जिस फॉर्म में आपको करना है उस फॉर्म में कर सकते हो। लॉग 2 रहता है या क्या रहता है फॉर्मुले में, अभी मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया था, लॉग बेस, ठीक है, सैनन एंट्रोपी में क्या रहता है जी, मोबाइल में मुझे फिर वापस जाना पड़ता है, ठीक है, चलो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी लॉग बेस 2 पे 1.05 आएगा जब आप बात करोगे, ठीक है, 1 आएगा, 1/2 लॉग बेस 2, इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करोगे, 2 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, फाइन, एक याद रखना, ठीक है। चलो अब बताने की कोशिश करता हूँ न्यूक्लियोटाइड के लिए छोटा सा ट्रिक अलाइनमेंट स्कोर के लिए, बाकी तो हम पढ़ नहीं पाएंगे लगता है फाइलोजेनेटिक, अलाइनमेंट स्कोर के लिए फटाफट मैं डिस्कस करता हूँ, मेरे पास टाइम बहुत कम है, बिकॉज 5 PM से मुझे सात क्लास लेना है, तो मैं एक्सटेंड कर ही नहीं सकता, ठीक है। याद रखना कि इसमें जो अलाइनमेंट स्कोर या जो आपका सैनन एंट्रोपी होता है, दैट इज व्हाट द PI, यहाँ पे लॉग 2 होता है PI, बेस लॉग 2 होता है, इस चीज को ध्यान रखे रहना। न्यूक्लियोटाइड के लिए मैं बता देता हूँ, अगर चारों न्यूक्लियोटाइड सेम है, चार या पांचों, उसमें जिस तरीके से न्यूक्लियोटाइड सेम है उस तरीके से आप मूव कर सकते हो। अगर चार चार के बारे में बात करें तो अगर ऑल सेम है, अगर पूरा सेम होगा तो 0 होगा, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी 1/2 पे जा रही है तो यहाँ पे 1.0 होगा, अगर प्रोबेबिलिटी 1/4 सबकी जा रही है तो यहाँ पे 2 होगा, और प्रोबेबिलिटी 1/4 प्लस 3/4 पे गई है तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगा 0.811, ठीक है। सिर्फ ऐड कर दोगे आंसर आ जाएगा इस तरीके से, ये यहाँ करने का फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। Being an All India rank holder, मैं वीरेन सिंह बनाऊंगा आपके CSIR NET preparation को आसान। Download the Unacademy Learning app and use the code Viren अपनी plus subscription पर 10% off पाने के लिए। Guys, hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो please do like and share with your friends, क्योंकि मैं जितना हो सकता है मैं इतना आपके लिए कर रहा हूँ, और आप भी अपने friends के लिए share करिए ताकि वो भी इन चीजों से learn कर सके। अगर आपको definitely पसंद है तो do like, share and subscribe। मिलते हैं आपसे next video में, all the best, and till then bye bye, take care।